अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोहम्मद सिहाबाई का सफ़र पाकिस्तान में जारी है। दोस्तों, मोहम्मद सिहाबाई को जब भी वीज़ा मिला, उसी तरीके से अपने सफ़र को शुरू कर दिए और भारत देश को अलविदा कहने के बाद पाकिस्तान में अपने सफ़र को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मोहम्मद सिहाबाई की आज की लाइव लोकेशन की, कि आज मोहम्मद सिहाब भाई पाकिस्तान के अंदर किस जगह पर हैं और कहां से वे अपने सफ़र को आगे अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त की आज की उनकी कौन सी लाइव अपडेट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कितने लोग मौजूद हैं, कोई उनका साथ वहां पर दे रहा है या नहीं दे रहा। दोस्तों, बात करेंगे मोहम्मद सिहाब भाई के सफ़र में वहाँ पर कितने लोग साथ हैं, इनकी टीम का लोग कोई गया है इनके साथ या नहीं गया। मैं पूरी कुछ लाइव लोकेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे मोहम्मद सिहाब भाई को अपने सफ़र पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि मैं हर तरह की अपडेट आपको इस चैनल पर दिखाता रहूँगा। सिहाब भाई का पूरा लोकेशन आपको जानना है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर देशों का सफ़र सिहाब भाई का आपको इस चैनल पर करंट लाइव लोकेशन के साथ मिलता रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आज बात करते हैं मोहम्मद सिहाब भाई को अपने सफ़र पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका। तो मैं आपको बता दूँ, आज मोहम्मद सिहाब भाई को अपने सफ़र पर अपने घर से चले हुए 252 दिन का एक लंबा वक्त बीत चुका है। दोस्तों, 252 दिन पहले सिहाब भाई ने अपने घर वालों से विदा ली थी और इस नेक और पाक सफ़र पर निकल पड़े थे, ये कहते हुए कि मैं इंशाल्लाह 2023 के हज को अदा करूंगा। दोस्तों, इन्होंने ये इरादा बनाया और जून माह की 2 तारीख को और साल 2022 को ये अपना सफ़र शुरू कर दिए। आपको बता दें, मोहम्मद सिहाब भाई को आज अपने सफ़र पर अपने घर से चले हुए 292 दिन का एक लंबा वक्त बीत चुका है। दोस्तों, आज तारीख की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, आज तारीख हो चुकी है 8 फरवरी। तो आज 8 फरवरी की जो लाइव लोकेशन है, आपको बता दें मोहम्मद सिहाब भाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपने सफ़र को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आज उनकी अगर लाइव लोकेशन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ, मोहम्मद सिहाब भाई ने अब जल्द ही लाहौर को भी पार कर दिया है। दोस्तों, जो पाकिस्तान का शहर पड़ता है लाहौर, उस शहर को भी अब इंशाल्लाह पार कर दिए। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सिहाब भाई जल्द अपने इस सफ़र को तय करते हुए दोस्तों ये अपने इस हज को मुकम्मल कर पाएंगे। हालांकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, यानी कि अब 2023 के जो हज में समय बचा है वो तकरीबन ज़्यादा कुछ समय नहीं बचा। आपको बता दें, इसमें जो समय बचा है वो ये कहा जा रहा है कि लगभग 4.5 से 5 महीने का वक्त बचा है और मोहम्मद सिहाब भाई को भी तकरीबन 4 या 5 देशों का सफ़र और तय करना होगा।